गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ एक नेचुरल हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली हेयर सीरम करता क्या है, हेयर सीरम आपके हेयर को रिटैंगल करता है, इवन ग्लॉसी बनाता है और आपके हेयर को हीट से प्रोटेक्ट करता है। हीट वेदर वो सन की यूवी रेज हो या आपकी मशीन जो आप यूज़ करते हो अपने हेयर को कर्ल करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए और इवन बाउंसी बनाने के लिए। सो ये आपके हेयर में एक थिन लेयर बनाता है जिसके कारण आपकी हेयर प्रोटेक्ट रहती है। मार्केट वाले हेयर सीरम में बहुत सारा सिलिकॉन पाया जाता है जिसके कारण आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं और वो डैमेज होकर रफ हो जाते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप वो सीरम बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप इसे घर में बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना सकते हो और अपने हेयर को और भी ग्लॉसी और हेल्दी बना सकते हो। इस सीरम के कारण आपकी हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और डिटैंगल्ड हमेशा रहेगी। एंड इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हम हेयर सीरम बनाएंगे कैसे नेचुरली। सीरम बनाने के लिए आपको ऐड करना है मार्केट वाला एलोवेरा जेल। नेचुरल एलोवेरा जेल इसमें नहीं ऐड करना है। एलोवेरा आपके हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और भी सिल्की बनाती है। उसके बाद आपको ऐड करना है एक स्पून लेमन जूस। लेमन जूस आपके बालों में शाइन लाती है और इसमें विटामिन सी होता है जिसके कारण ये आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करती है। नेक्स्ट आपको चाहिए वर्जिन कोकोनट ऑयल। आधा चम्मच से भी कम आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए। करीब 6-7-8 बूंद कोकोनट ऑयल चाहिए। आपको ये चाहिए क्योंकि ये आपके हेयर को डिटैंगल करती है, फ्रिजी फ्री बनाती है, स्मूथ बनाती है, आपके हेयर को थोड़ी हेवी लुक देती है। और आपको इसमें ऐड करना है 3-4 चम्मच वाटर। वाटर इसलिए ऐड करना है ताकि आप इसे एक थिन लिक्विड की तरह बना सकें। थिन लिक्विड हमें इसलिए बनाना है ताकि हम अपने हेयर पे इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर सकें। सो मैंने यहाँ 2 ही चम्मच दिखाया, आपको 3-4 चम्मच इसमें ऐड करना है वाटर। उसके बाद आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर सकते हैं और 4 बूंदे कैस्टर ऑयल की ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको बिल्कुल इसी तरह वाटर की तरह इस लिक्विड को बना लेना है। इसे बनाने के बाद आपको एक स्प्रिंकलिंग बॉटल में इसे स्टोर करके रखना है। आप इसे करीब 1 वीक तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी भी आपको इसे यूज़ करना हो तो आप यूज़ करने की थोड़ी देर पहले आप इसे हॉट प्लेस पर रख दें, आइदर सन में रख दें, उसके बाद यूज़ करें क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल होती है जो जम जाती है और अगर आप हॉट प्लेस पर रखते हैं तो वो पिघल के अच्छे से मिक्स हो जाती है। सो कभी भी यूज़ करने के पहले आप इसे हॉट प्लेस पर रख दें। अब आप इसे कंटेनर में डाल लें। आई होप कि आपने इसे बना लिया होगा और अगर आप इसे बना लिए हैं तो आपको इसे यूज़ करना है हल्के वेट हेयर में। आपकी हेयर थोड़ी वेट होनी चाहिए और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी बाथ लें, अपने हेड वॉश करें, तो जब आपकी हेयर थोड़ी हल्की वेट हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने का तरीका इस तरह से, आप अपने हेयर पर स्प्रिंकल कर लीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद आप अपने हाथों से या कॉम से आप अपने हेयर को डिटैंगल कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद आपकी हेयर बिल्कुल डिटैंगल हो जाती है ऑटोमेटिक और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है जिसके कारण आपकी हेयर फॉल भी कम हो जाती है। सो गाइस डू ट्राई दिस मेथड। ये बहुत ही नेचुरल मेथड है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जस्ट ट्राई इट वंस एंड फील द डिफरेंस। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment to my channel. Until then, bye-bye.